नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। हमें पर्यावरण को मतलब में जो जंगलों में आज इतनी आग लग रही है, पर्यावरण का दहन हो रहा है, हमारे जल स्रोत सूख रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इस वजह से हमने एक कदम उठाई है, पर्यावरण जन जागृति यात्रा, पैदल यात्रा, लोगों को जागरूक करते हुए आगे राष्ट्रपति भवन तक हम पैदल यात्रा करेंगे और जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारा जीवन सुरक्षित रहे, क्योंकि आज के डेट में पर्यावरण ही मेन मुद्दा है हमारा। और उससे जिससे हमारे पर्यावरण से हमें प्रत्यक्ष का मतलब लाभ देता है, उसी पर्यावरण का आज लोग अधिक से अधिक दोहन कर रहे हैं ताकि आने वाला समय में हमें ऑक्सीजन ना मिलेगी और हमें ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा। इसलिए हम पर्यावरण जन जागृति यात्रा निकाल रहे हैं देहरादून होते हुए। आपकी ये पद यात्रा कहाँ से कहाँ तक? ये हमारी पद यात्रा चकोटिया के विलेज चनोला, ग्राम खजरानी होते हुए गैरसैंण, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, रुड़की होते हुए ऋषिकेश, देहरादून होते हुए दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक। ये पद यात्रा आपने कहाँ शुरू की है? ये हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट तहसील चकोटिया से हमने ये यात्रा शुरू की है। तो आप इसमें आम जन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी मतलब में पर्यावरण हमारा जो मूल्य मुद्दा है कि मतलब में हर कोई पर्यावरण का देखभाल करे, वनों में आग ना लगने दे, ताकि हम आने वाला समय जो है ऑक्सीजन मिले सबको और इसमें मतलब में कोई मतलब में दुरुपयोग ना करे पर्यावरण का, जिससे मतलब में हानि न पहुंचाए, ताकि आने वाला समय ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन लेके फिर पे चलना पड़े। तो आपने इसका किसी को विज्ञापन दिया है? विज्ञापन हमने मुख्यमंत्री जी धामी जी को भी दिया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को भी विज्ञापन दिया है। देने जाओगे? दिया भी है और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी है परसों। उन्होंने कहा हम सेंटर तक आपकी बात पहुंचाएंगे, हम आगे आपका सहयोग करेंगे।